हेलो, क्लास 10th के स्टूडेंट से अभी बात किया जा रहा है और आप लोगों को आज नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तक आप लोग पहला एक्सरसाइज बना चुके होंगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट बता दिया गया था और उसके बाद उसका उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को भी कर लिया गया। और अब उसका इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में जा रहे हैं हम लोग। और आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो आज ये न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, तो आज का वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ही ज़रूरी है। इसके पहले का कुछ वीडियो जिसमें कि क्वेश्चन किया गया था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बना लिए होंगे तो वो उनको उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा होगा, बट आज आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर से संबंधित अगले एक्सरसाइज का। तो आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे और अपने कॉपी पे नोट्स बनाएंगे इसका और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो यहाँ पे अभी जो भी है वो देख रहे हैं और ठीक से समझेंगे जो हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को इससे यूट्यूब के माध्यम से। इस चैप्टर में आपको कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे सम पर्टिकुलर एंगल्स, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही एंगल्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे इस 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पे, तो आपका जो एंगल है वो इस चैप्टर में जो एंगल है वो फिक्स्ड है, उसका 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल ही पढ़ना है आपको। जबकि ज्योमेट्री में आपका एंगल का जो दायरा है वो 0 से लेकर 360 यानी कि 360 डिग्री तक का है। तो 0 से 90 डिग्री में आपको जो मुख्य मुख्य एंगल जानना है वो इस बार इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, ऐसे ही सारे का साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री क्या होता है, और बाकी जो 5 टी रेशियोज हैं लाइक कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब का इन एंगल्स के साथ जो वैल्यू होगा वो आज सीखेंगे हम लोग। तो एक तो तरीका है इस लेसन को बनाने का, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में तो उसमें सिर्फ इसके वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको साइन 30 या कॉस 60 ये सब पुट करना है, तो इसका वैल्यू तो आप ठीक अपने कॉपी आपके बुक पे जो टेबल बना है, और आज हम जो भी टेबल बना देंगे इस चीज़ का, तो वहाँ से आप वैल्यू उठाएंगे और अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो तो आप बुक में भी टेबल दिया हुआ है, आपको वो टेबल जो है वो याद करना है, वो टेबल याद कर लें और वैल्यू को पुट करें अपने क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बुक का, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हों ये एक्सरसाइज बना भी लिए हों। वो कैसे बनाएंगे, वो क्या करेंगे कि अभी जो भी टेबल पीछे में दिया हुआ है बुक में यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, उसको वहाँ से साइन 30 का वैल्यू कहीं ज़रूरत है, तो साइन 30 का वैल्यू मान लीजिए कॉस 60 का या साइन 30 का कुछ है, साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू वाट, तो साइन 30 का वैल्यू चुन लिए, कॉस 60 का वैल्यू उठा लिए और उसको पुट किए, मल्टीप्लाई किए, आप आंसर पहुँच गए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। लेकिन आप वो साइन 30 कैसे हुआ, साइन 30 अगर 1/2 होता है तो 1/2 क्यों होता है वो रेशियो, ये सीखना है। कॉस 45 यदि 1/√2 होता है तो 1/√2 कॉस 45 क्यों होता है, आज सीखेंगे। आप अगर अपना बुक का क्वेश्चन देखेंगे तो सारा क्वेश्चन तो बस वैल्यू को पुट कर देने पे, साइन 30, कॉस 60, टैन 45, ये वैल्यू को पुट कर देने पे आप आंसर पहुंच जाएंगे। लेकिन पीछे में 2-4 क्वेश्चन और ऐसा होगा आपकी किसी लेसन में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 60, साइन 45 बाई ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली निकालना होगा, ठीक है। तो जब ज्योमेट्रिकली निकालना होगा, और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ज्योमेट्रिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 और कॉस 60, ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक वर्ड शामिल किया जाए ज्योमेट्रिकली। तो जो प्रूफिंग है साइन 30 का, 45 का, 60 का, वो प्रूफिंग आपको 10th में ज्योमेट्रिकली पढ़ना है। आप अपना बुक देखेंगे उसमें साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री का आपको अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम जब आपके यहाँ पे अभी 30 का, 60 का और 45 का ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम आपको साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री को भी समझाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन 11th क्लास के स्टडी में जीरो साइन जीरो डिग्री जीरो के लिए सारा 6 का 6 टी रेशियोज का जीरो डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री के लिए वो आपको 11th में बेहतर पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल जितना हम कर सकते हैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए जब जो कि उनको समझ में आ जाए उतना हम जीरो डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी करेंगे। ये हुआ आज का इंट्रोडक्शन और अब हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आप सबसे पहले क्या करें कि अपने कॉपी पेपर ले लें और जहाँ जरूरत हुआ वीडियो को पॉज करके आप वो फिगर ड्रॉ करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज थर्टी डिग्री और 60 डिग्री के लिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अभी आपको सिखाया जा रहा है बहुत ही आराम से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें। मान लीजिए लेट सपोज दैट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड आपस में इक्वल होता है। तो अगर ए बी बी सी एसी चूंकि ये ट्रायंगल ए बी सी चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो नो डाउट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा और माना कि वो ए के बराबर है, ए यूनिट के इक्वल है मान लिया, ठीक है। चूंकि तीनों साइड इक्वल है तो अगर एक साइड ए बोला जा रहा है तो तीनों को ए बोला जाएगा। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे क्या ट्रायंगल ए बी सी लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए यूनिट, ठीक है। ये कर लिया गया। अच्छा आप देखिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्लास 9th के ज्योमेट्री पोर्शन में आप पढ़े होंगे किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बेस बीसी पर, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्या हुआ यहाँ पे कि विड्रॉ एडी यहाँ पे हमने एडी ड्रॉ किए हैं एडी विड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो आपको पता है रूल पहले से ही कि अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड बीसी पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वह बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये आपको 9th के ज्योमेट्री से आता है लेकिन हम लोग यहाँ इसको भी जरा साबित कर लें। देखिए जैसे ही आप एडी को बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में बट गया, एक ट्रायंगल हो गया एबीडी राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एसीडी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी वी है, हम लोग कंग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। यहां पे देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी है ना, क्यों भाई बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री रीजन है ये। दूसरा राइट एंगल हो गया हाइपोटेनस साइड ए बी जो है वो साइड ए सी के इक्वल है, क्यों गिवन था यहां पे कि वो एक इक्वल है एंड साइड ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों कॉमन साइड। देयरफोर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड और दैट इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों बाय सी पी सी टी सी। देखिए बहुत लोग इसको सी पी सी टी भी कहते हैं और सी पी सी टी सी भी कहा जाता है। सी पी सी टी का मतलब होता है क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल और अगर एक सी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया गया मीनिंग होता है इज ऑल्सो कंग्रुएंट। तो ठीक है आप इसको सी पी सी टी भी लिख सकते हैं और सी पी सी टी सी भी लिख सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है। अच्छा ये बी डी जब सी डी के बराबर हो गया मतलब ये BD और CD दोनों ही पूरे BC का हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC बाई 2 और BC का लंबाई जो था लेंथ वो A था तो A बाई 2 मतलब BD इज इक्वल टू A बाई 2 ठीक है। ऑल्सो आप देख सकते हैं चूंकि अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा,
ये और ये तो इक्वल होगा ही, ठीक है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का, और पूरा एंगल ये कितना होगा 60। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां पर लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑल्सो लिख रहे हैं हम लोग, ऑल्सो में क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो ये और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि बी ए डी सी ए डी के बराबर हो गया, क्यों हुआ, बाय सी पी सी टी सी। अच्छा, बी ए डी और सी ए डी बराबर हो गया तो ये बी ए डी और सी ए डी भी एंगल ए का या यूं कहें एंगल बी ए सी का हाफ होगा। तो यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल ए बाई टू और दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई टू, चूंकि एंगल ए 60 डिग्री था तो ये हो गया 30 डिग्री। एक बार वीडियो के पीछे से, कैमरा के पीछे से देख रहे हैं कि आपको वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, तो एंगल ए बाई टू आपको यहां पे दिख रहा है और थोड़ा जगह है तो इसको और साफ लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो में आ रहा है। तो ये एंगल ए के बराबर, एंगल ए का हाफ हो जाएगा ये, और एंगल ए बाई टू का मतलब 60 डिग्री बाई टू दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर आप जो नीचे का हम जो कन्वेंसी वाला पार्ट किए हैं अगर वो नहीं भी करते तो भी चलता, सिर्फ ये बोल देते कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉन तो बेस को बाइसेक्ट करता है, अतः बी डी ए बाई टू हो जाएगा, बी सी का आधा, और एंगल बी ए सी 30 हो जाएगा, पूरे एंगल ए का आधा, उसका एंगल ए का हाफ। ये सिंपली बोल के इतने चीज से बच सकते थे, पर चूंकि अभी यूट्यूब पे बता रहे हैं, आपके सामने नहीं बैठे हुए हैं, आपके सामने नहीं पढ़ा रहे हैं, तो किन बच्चों को क्या चीज आता है और क्या चीज नहीं आता है वो यहाँ पे पता नहीं। तो जितना एक टीचर हो सकता है करे आपके लिए वो किया जा रहा है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। वैसे भी आप घर पे बैठे हैं, स्कूल कोचिंग कॉलेज चल नहीं रहा है, तो आप इसको ठीक से समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक क्या हुआ, अगर अब इस फिगर में से हम ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीसी के फिगर में से यदि हम ट्रायंगल एबीडी को अलग कर लें, मतलब अलग इसलिए कर लें कि समझने के लिए केवल, कि जो जिसका रिक्वायरमेंट है वही, ए था यहां पे, बी था अलग, मतलब कोई काट छाट का अलग नहीं करना है, बस इसको साफ सुथरा अलग लिख के हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कि डी है, यहां ए था, यहां एक एंगल जो कि अब 30 डिग्री का हो गया, यहां पे जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है, यहां पे 90 डिग्री है, और ये वाला लंबाई ए है, जबकि बीडी जो है वो ए बाई टू है, बी डी इज इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है। अब इसी से, इसी फिगर से, अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है इस ये, या फिर ये भी लिया जा सकता था, एक ही बात था, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना था तो हम लोग लेफ्ट वाले को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आज सीखेंगे इसमें 30 के लिए 6 टी रेशियो के बारे में, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो 6 टी रेशियो के बारे में 30 पे सीख लेंगे, और 6 टी रेशियो 60 डिग्री के एंगल पे भी पढ़ लेंगे, और आज फाइंड आउट कर लेंगे अभी की अभी, अभी की अभी, और तब आपका एक इसके बाद 45 डिग्री, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री और टेबल बना के आपको सिखा दिया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का पूरा जो लेसन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बने रहे हमारे साथ, देखिए आगे क्या किया जाए। अब हम लोग निकालेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो गया, कॉस 30 डिग्री, टैन 30, कॉट 30, सेक 30, एंड लास्ट में कॉसेक 30 डिग्री निकाल लेंगे अभी के अभी। साथ ही में हम, अच्छा पहले निकाल लेते फिर 60 का कर लेंगे राइट में, जितना जगह बचेगा उसके हिसाब से। साइन 30, चलिए 30 यहां पे है ना, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ, यहाँ 30 डिग्री मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस। देखिए बच्चों, अगर ये 30 डिग्री यानी कि एंगल ए यदि एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ, यदि एंगल ए एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी डी, अपोजिट साइड बेस कौन हो जाएगा, ए डी। आप ये फर्स्ट लेक्चर में सुन चुके होंगे, अगर नहीं देखे कोई वीडियो यदि अभी देख रहे हैं तो पहले का वीडियो देख लें। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, लेक्चर 1 नाम से अभी अपलोड किया हुआ है,
तो आप वहां देख रहे हैं तो आप वो समझ जाएंगे। फर्स्ट वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का आप देख रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस समझ जाएंगे। तो 30 एंगल ऑफ रेफरेंस है जिसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस और AD जो बच गया रिमेनिंग साइड वह बेस, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनस तो AB है, हाइपोटेनस फिक्स होता है 90 का अपोजिट, cos 30 होता है B बाई H दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। तो 30 के लिए बेस हो गया AD बाई हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट AB। tan 30 आप सिंपल P बाई B बोले या sin 30 बाई cos 30 भी होता है क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा भी आप जानते हैं। तो आप चाहे तो यहां पे P बाई B करें, 30 के लिए P कौन BD और 30 के लिए P, P मतलब परपेंडिकुलर कौन BD और 30 के लिए बेस कौन AD, ठीक है। और cot 30 तो सिर्फ tan का उल्टा कर देंगे मतलब 1 बाई tan 30, चाहे तो हम लोग इसको बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि AD बाई BD भी बोल सकते हैं, AD बाई BD भी बोल सकते हैं। sec 30 को हम चाहे तो cos 30 का चूंकि जस्ट इनवर्स रेसिप्रोकल होता है तो sec 30 को हम लोग जस्ट यहां पर चूंकि cos 30 होता है B बाई H बेस बाई हाइपोटेनस तो sec 30 को बोल सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस यानी कि AB बाई AD या सिंपल कहें तो 1 बाई cos 30 और cosec 30 को उसी प्रकार से 1 बाई sin 30 क्योंकि cosec इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। अब देखिए निकाला जाएगा तो BD यहां पे क्या है, BD है A बाई 2 और AB क्या है बाबू AB वेयर इज AB, A A का मतलब A बाई 1। देखिएगा A बाई 2 ये मेन डिवीजन जब इनटू बनता है, मेन डिवीजन जब इनटू बनता है तो A बाई 1 रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई A हो जाएगा, A और A कैंसिल क्या बचाइए 1 बाई 2, ठीक है। यानी आज से आप याद रखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई 2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का रूट 3 बाई 2 आएगा, आपको याद रखना होगा। तो AD बाई AB, AD कितना है AD, देखिए AD हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा, यहां नहीं निकाले थे अभी भूल गए थे। तो अगर हम लोग को BD मालूम है AB मालूम है तो AD निकाल लेंगे ना, ये करने के पहले हम लोग को AD निकालना चाहिए। तो AD निकालते हैं, AD को कैसे निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, AD इज इक्वल टू अंडर रूट AD, लॉन्गेस्ट साइड AB है तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर माइनस जो साइड बच गया AD निकालना है ना, BD बच गया BD का स्क्वायर। ये वाला भी चीज आपको फर्स्ट लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया गया है कि डायरेक्टली आपको AD निकालना है तो सीधा जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर माइनस जो बचा हुआ साइड है BD उसका स्क्वायर और लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। That is equal to a square root AB. AB है A square. AB है A, तो square हो गया यहाँ पे. Minus BD कितना है? BD है A by 2. A by 2. तो BD का square मतलब A by 2 का square. That is equal to A square minus. ये square ऊपर में भी है और नीचे में भी है. ऊपर बोले तो numerator, नीचे बोले तो denominator. तो ये हो जाएगा A square by 2 square का मतलब 4. That is equal to under root by 4 into कीजिएगा आपको आता है ये fraction का addition subtraction 4 a square minus a square that is equal to 4 a square में से 1 a square घटाइएगा तो बचेगा 3 a square by 4। अब ये root जो है ना वो 3 पे भी है, a square पे भी है और 4 पे भी है, तो root 3 का square root वही हो जाएगा और a square पे square root पहले के वीडियो में सिखा दिया गया है कि वो a बन जाता है और 4 पे स्क्वायर रूट 2 बन जाता है। तो AD का जो लंबाई है वो निकाल चुके हम लोग रूट 3 a बाई 2 अभी निकाले हम लोग, ठीक है। वीडियो आपको दिख रहा होगा राइट साइड तक रूट 3 a बाई 2 भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो साइन 30 कॉस 30 टेन 30 ये सब जो निकाल रहे हैं इसके पहले हमको ये पार्ट करना था जो ध्यान नहीं पड़ा था, आप अपने कॉपी में पहले ये कर लेंगे फिर ये करेंगे। देखिए बच्चों अब AD बाई AB करना हम लोग को ना, तो AD क्या है, AD निकाल चुके हैं कितना रूट 3 a बाई 2 डिवाइड बाई AB और AB का मतलब a, a बाई 1, a का मतलब a बाई 1, रूट 3 a बाई 2 मेन डिवीजन को इनटू बोलो तो
ए बाई वन क्या हो जाएगा, वन बाई ए, ए कैंसिल, क्या आ गया रूट थ्री बाई टू। आज के बाद जिंदगी भर और उसके बाद भी आपको याद रखना है cos 30 इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, tan 30 जस्ट sin 30 बाई cos 30 नहीं बोल सकते थे, यहाँ पे bd बाई ad बोल दिए हैं, तो bd है a बाई टू और ad है रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू, ए बाई टू इंटू टू बाई रूट थ्री इंटू ए, ए कैंसिल, टू टू कैंसिल, क्या आ गया वन बाई रूट थ्री, ठीक है tan 30 वन बाई रूट थ्री। अगर आप tan 30 सीधा करते sin 30 बाई cos 30 तो आप लिखते वन बाई टू डिवाइड बाई रूट थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाता, क्या बचता वन बाई रूट थ्री ही आता, ठीक है समझ रहे हैं। और cot 30 जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, तो 1 बाई टेन 30 मतलब इसको उलट दीजिएगा तो क्या आएगा ये रूट थ्री, यूं समझ सकते हैं आप। 1 का मतलब 1 डिवाइड बाई, tan 30 का मतलब कितना आया है 1 बाई रूट थ्री, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह मेन डिवीजन को हम जानबूझ के लंबा लाइन खींचे हैं, 1 मेन डिवीजन को जो इंटू करते हैं तो 1 बाई रूट थ्री रेसिप्रोकल होके रूट थ्री बाई 1 हो जाता है, 1 1 कैंसिल, क्या बनेगा रूट थ्री, ठीक है ना। तो सीधा हम चाहते थे इसको ऐसे उलट सकते थे, रूट थ्री बाई वन करते cot 30 को तो रूट थ्री होता है, sec 30 को सीधा cos 30 का उल्टा तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई रूट थ्री, और cosec 30 sin 30 का उल्टा 2 बाई वन मतलब कि 2। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, 1 बाई टू सही है, sin 30 1 बाई टू, cos 30 रूट थ्री बाई टू, tan 30 1 बाई रूट थ्री, ठीक है, cot 30 रूट थ्री, sec 30 डिग्री 2 बाई रूट थ्री और cosec 30 2, बिल्कुल सही है। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का अब छे का छे टी रेशियो 30 डिग्री के एंगल पे निकालना सीख गया ज्योमेट्रिकली। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 30 डिग्री फॉर ऑल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ 30 डिग्री फॉर ऑल 6 टी रेशियोज ज्योमेट्रिकली, दे यू हैव टू डू दिस। उसमें आप ये जो चीज है कॉन्वेंसी इसको स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं आप सिंपल, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द बेस टू द अपोजिट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं आप, ये जो हम यहाँ पे कॉन्वेंसी प्रूफ किए हैं इसको आप एग्जाम में इसको आप स्किप करके यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि आप नाइन्थ में इसका स्टडी कर चुके हैं तो आप सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप सुन लें, we know that in a right angle, sorry, we know that in an equilateral triangle, the perpendicular drawn from any vertex to their opposite side bisect the base and also bisect the vertex angle. Therefore, BD is equal to BC by 2, that is equal to A by 2, and angle BAD is equal to angle A by 2, that is equal to 60 degree by 2, that is equal to 30 degree. आप सीधा ये लिख सकते हैं इसको स्किप करके, और फिर आपको ये करना होगा यदि आपको 30 डिग्री का एंगल निकालना है ज्योमेट्रिकली, यदि 60 डिग्री का 60 डिग्री का निकालना है ज्योमेट्रिकली तो क्या करना होगा, ये सब डेटा जो था वो रहेगा, ये जो स्किप करने का बोला गया स्किप करके, जो लाइन यहाँ पे लिखने को बोला गया है वो लिखने के बाद क्या बोला गया लिखने को, वही we know that in an equilateral triangle the perpendicular drawn from any vertex to the base या to the opposite side bisect the base also bisects the vertex angle ये आप लिख के और फिर आप यहाँ पे 30 जैसे निकाले हैं इसको नहीं निकाल के, सिर्फ ये सब वही रहेगा, ये सब ही रहेगा जब आप 60 डिग्री का निकालना चाहेंगे, लेकिन बस यहाँ जो 30 है 6 यहाँ पे आप सिर्फ 60 कर देंगे, और इसके बाद क्या करते हैं वो अभी हम इसको इरेज करके समझा दे रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हम भी पीछे से कैमरा के पीछे से देख रहे हैं, ठीक है सब कुछ आ रहा है इसमें एग्जैक्टली और विजिबल भी है, तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसको मिटा के इरेज कर दें थोड़ा सा, और 30 के बजाय फिर हम 60 डिग्री का हम यहाँ पे करते रहे इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं इरेज। तो अब देखिए बिना वीडियो को पॉज किए इरेज कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा नहीं इरेज करना है और सब कुछ किया हुआ है यहाँ पे तो समय नहीं खर्च होगा, हो गया इरेज मुश्किल से 30-35 सेकेंड।
खर्च हुआ है। तो ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे अगला जो है पॉइंट है यहाँ पे कि अब 60 डिग्री निकालना होता तो साइन 60, कॉस 60, टैन 60, कॉट 60, सेक 60 और कॉसेक 60 डिग्री, तो क्या करते हैं आप उसको देखो। साइन थीटा जैसा कि पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहां भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन 60 डिग्री एंगल ऑफ रेफरेंस इस बार चेंज कर गया। इसके पहले जब 30 डिग्री का निकाल रहे थे तो एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए था, अभी जब 60 डिग्री का निकाल रहे हैं तो एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल बी है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एडी, हाइपोटेनस फिक्स है 90 का अपोजिट, तो बच गया बेस कौन, बीडी। साइन 30, साइन सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, 60 डिग्री के लिए पी अब कोई साइड एडी बाई एच तो ए बी ही होगा हमेशा हाइपोटेनस, कॉस 60 डिग्री बी बाई एच, 60 के लिए बेस हो गया बीडी, बी बाई एच, एच हाइपोटेनस ए बी, और टैन 60 तो आप जान ही रहे हैं पी बाई बी या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 60, 60 कॉट 60, 1 बाय टैन 60, सेक 60, 1 बाय कॉस 60 एंड कॉसेक 60, 1 बाय साइन 60। चलिए साइन 60 डिग्री एडी बाय एबी, एडी निकाला जा चुका है पहले, रूट थ्री है बाय टू और ए बी है ए, ए मतलब ए बाई वन, रूट थ्री है बाई टू, मेन डिवीजन इन टू बना तो वन बाई ए, रूट थ्री बाई टू कोसाइन 60 डिग्री, रूट थ्री बाई टू कॉस 60, बी डी बाई ए बी, बी डी ए बाई टू, ए बी ए, ए मीन्स ए बाई वन, ए बाई टू मेन डिवीजन इन टू बना ए बाई वन, वन बाई ए बनेगा, वन बाई टू टेन 60 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, टू टू कैंसिल, रूट थ्री बाई वन यानी कि रूट थ्री, और कॉट 60 इज जस्ट इन रेसिप्रोकल ऑफ टेन यानी कि यह रूट थ्री बाई वन है तो ये बनेगा वन बाई रूट थ्री, सेक 60 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल वन बाई टू है तो बनेगा टू बाई वन यानी कि टू, और कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 का जस्ट उल्टा वहां रूट थ्री बाई टू है तो ये बनेगा टू बाई रूट थ्री। ये आपका साइन 60 डिग्री का, कॉस 60, टैन 60, कॉट सेक और कॉसेक 60 डिग्री का हो गया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, और ये डेटा जो अभी साइन में आया है कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक में 30 डिग्री का हो चुका, 60 डिग्री का हो चुका, कुछ देर बाद अभी टेबल बना देंगे, आपको याद करना होगा और ये भी आपको घर पे करना होगा प्रैक्टिस, एग्जाम में आता है आपको करना होगा प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में आता है आपको प्रूफ करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में। वीडियो पॉज कर रहे हैं, बोर्ड को इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद 45 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक राइट एंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है सच है इस प्रकार से कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी को हम लोग मान लेते हैं ए से, से मीन्स माना ए यूनिट मान लिया कि ये है। अब चूंकि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो आप जानते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में, आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हुआ तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला आपस में इक्वल होता है। रूल क्या है कि वी नो दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, तो नो डाउट अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और बी सी का, बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए भी आपस में इक्वल होगा। सिंस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल जो बच जाता है, ऐसा आप 9th की ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल बच जाता है उसका सम होता है 90 डिग्री, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 जिसमें से एक एंगल 90 हो गया, तो अब एंगल ए और एंगल सी जो कि दो एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका सम 90 ही होगा।
क्योंकि थर्ड एंगल एंगल बी को ऐड करने पे 90 और ऐड होगा और ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। तो यहां समझ रहे हैं आप कि द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए और सी को आप एंगल ए बोल सकते हैं क्योंकि एंगल सी बराबर एंगल ए है यहां पे। दैट इंप्लाइज टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 90 बाय 2 45, एंगल ए इक्वल टू 45 और चूंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो एंगल सी भी 45 होगा। अब आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक सबका 45 डिग्री का निकालना है वैल्यू। तो आप या तो एंगल ए या तो एंगल सी चुन लें। चलिए सुविधा होता है एंगल ए चुनने में तो एंगल ए को हम लोग चूज कर लेते हैं और अब हम इसका सारे का वैल्यू निकालेंगे। पहले ए बी मालूम है और बी सी, ए बी और बी सी इक्वल था और मान लिया कि वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, ठीक है। तो अब ए सी निकाल लिया जाएगा क्या? हाँ, ए सी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से फिर से ए सी, ए सी यहाँ पे अब की ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं द एंगल अपोजिट सॉरी द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट। जो साइड सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में होता है वो सबसे बड़ा होता है और आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 का ही होता है और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 से बड़ा कोई एंगल हो ही नहीं सकता। एक ट्राइंगल में कुल तीन एंगल होता है जिसमें कि सबसे बड़ा एंगल एक ट्राइंगल में कुल तीन एंगल होता है। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल में भी तीन ही एंगल है होगा और राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 का हो गया तो जो बाकी का दो एंगल बचा वो हमेशा एक्यूट होगा क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक अकेला 90 के बराबर नहीं हो सकता, 90 से कम ही होगा, 90 के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता, 90 से कम ही होगा। और जैसे ही दोनों इच एंगल अगर 90 से कम है तो दोनों ही एक्यूट एंगल्स है, इन दोनों एक्यूट का सम 90 डिग्री होता है आप जानते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 और 90 का अपोजिट साइड इज द लॉन्गेस्ट इज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से किससे भाई? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB स्क्वायर, AB मतलब A है तो A का स्क्वायर और BC मतलब भी A है एक स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर। कितना हो गया बाबू? रूट टू ए स्क्वायर। रूट स्क्वायर रूट जो है दोनों पे है, टू पे भी है ए स्क्वायर पे भी है। टू पे है तो रूट टू और ए स्क्वायर पे है तो ए हो जाता है। अभी आप समझ गए इस चीज को। अब हम लोग निकालेंगे साइन 45 कॉस 45 टैन 45 कॉट 45 sec 45 और cosec 45। sin 45 p by h perpendicular by hypotenuse। 45 आप ये ले रहे हैं अभी तो angle of reference a है, इसके लिए p by h, इसके लिए p कौन है? bc। तो bc by hypotenuse आपका कौन है? ac, ठीक है। तो bc कितना है? bc है a और hypotenuse कितना है? ac। ac निकाल चुके हैं root 2a, ए कैंसिल कितना आ गया? 1/√2 आ गया। अगर किसी बच्चे के मन में ख्याल आ रहा है, मन में ख्याल आता ही है, तो ख्याल आ रहा है कि एंगल यहां 45 डिग्री है, अगर ये 45 लिया गया होता तो क्या होता? यही होता जो यहां पे हुआ है। सपोज कीजिए कि आप ये ले रहे हैं 45, साइन 45 आप इसको बोल रहे हैं, आप एंगल ऑफ रेफरेंस को ए ना लेके एंगल सी ले रहे होते यदि तो होता इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए साइन थीटा तो होता पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता? एबी, एबी होता और एच कौन होता? एच तो ही होता है एसी। तो एबी यहां भी कितना है? ए ही तो है। बीसी यहां पे ए था और एबी यहां पे ए ही है, ठीक है। ए और एसी फिर से रूट टू है तो ए एक कैंसिल होके यह भी कितना आता? 1/√2 ही आता। यानी कि अगर ये 45 ना लेके ये 45 लेते तो परपेंडिकुलर आपका ए बी होता, हाइपोटेनस ए सी ही रहता, तो परपेंडिकुलर ए बी यहां भी ए ही था। अतः ए बाई रूट टू ए 1/√2, ये भी 1/√2 आया और ये भी 1/√2 आया, ठीक है।
तो हम लोग एक एंगल एंगल ए को फिक्स करके सारा वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहां समझाने के लिए बता दिया गया है। cos 45 डिग्री b / h, क्योंकि हम एंगल ऑफ सरफेस इसको लिए हुए हैं अभी, तो 45 के लिए बेस कौन, बेस कौन ab, b / h क्या ac, ab कितना है a है और ac क्या है √2a है, a कैंसिल 1 √2, tan थीटा यानी कि tan 45 हो जाएगा बाबू sin 45 / cos 45, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1 टाइम कट जाएगा, या 1/√2 इस डिवीजन को इनटू बोलेंगे तो √2/1 फिर से कैंसिल होकर 1 आएगा, cos 45, tan का उल्टा 1 का मतलब 1/1, ये भी 1/1 यानी कि 1, sec 45 cos का उल्टा √2/1 यानी कि √2, और cosec 45 sin का उल्टा √2, ठीक है, देख लीजिए इसको आप, देख लिए आप कॉपी पे, चाहे जिसको चाहे नहीं आपको नोट ही करना है, नोट कर लीजिए, वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है, अगर कभी आपका वीडियो वो क्या उसको बोलते हैं जी ब्लर, अगर कभी वीडियो आपका ब्लर कर जाए ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी इंटरनेट के कुछ स्लो वलो होने से ना ये वीडियो ब्लर करता है, वीडियो सही आ रहा है, आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आराम से देखिए वीडियो, अभी इसको इरेज करके आगे बता रहे हैं, ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे सब कुछ यहाँ पे साफ कर दिया गया है, सिर्फ अभी आप देख रहे हैं 0° एंड 90° पहले बच्चों आपको बता दें कि आपके बुक में 0° और 90° का प्रूफिंग नहीं सिखाया गया है, लेकिन अभी आपको हम यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सीख भी जाएंगे, और यह भी बता दें कि एक्चुअली अगर आप 11th में होते हैं और अभी हमको अगर 11th का ट्रिगो पढ़ाना रहता तो ज़्यादा आसान था सिखाना आपको ये, बट ये अभी 10th का सिलेबस है और आपके बुक में इसका प्रूफिंग नहीं भी जाने तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो इसका याद रखना है 0° का और 90° का, एग्जाम में जो ज्योमेट्रिकली आता है प्रूफ करने को वो या तो 30° या 45° या फिर 60° का आएगा, तो लेकिन फिर भी 0 और 90 जरा खेल देख लें क्या होता है, आप थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, माइंड को खुला रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है, तो अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे आप समझ जाएंगे, अगर कोई बच्चा ना भी समझे तो उनको रिजल्ट याद तो रखना ही है कम से कम, देखिए हम ना समझाने का प्रयास कर रहे, ठीक है, 0° को और 90° को कैसे हम लोग डील करेंगे वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है, 0° और 90°, तो अभी आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहां बना के दिखा रहे हैं, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको और बड़ा बना दे क्योंकि क्लियर विजन होगा और थोड़ा समझना ज्यादा है इसको, 90° एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आप समझ लें, थीटा एंगल ए एंगल बी एंगल सी, किस प्रकार से साइन 0 और साइन 90 निकाल सकते हैं वो देखिएगा, देखिए सपोज कीजिए कि हम लोग अभी थीटा, पहले ना हम लोग थीटा बराबर 0° लेते हैं फिर 90 का भी समझ लेंगे, तब यहाँ पे थीटा है जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं बताया गया, अभी नहीं पता है, थीटा कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कोई ना कोई डिग्री यहाँ पे है, सपोज कीजिए कि थीटा जो है वो 0° कब होगा, थीटा ये एसी है, ठीक है, ये एसी है, अगर ये एसी और डाउन होगा ऐसे तो ये थीटा जो भी, ध्यान दीजिएगा इसको जरा, ध्यान दीजिएगा इसको जरा, अगर ये एसी है, अगर ये और थोड़ा नीचे आएगा तो थीटा का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, और जो बीसी का हाइट है थोड़ा कम हो जाएगा, एकदम ध्यान से फोकस से, एसी जैसे भी है अगर ये चलिए परपेंडिकुलर है पी, ये बेस इस थीटा के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बगल वाला बेस और ये हाइपोटेनस एच, एज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए बोले दिमाग जरा खुला रखिए, एज्यूम कीजिए मेरे साथ, एसी अगर और नीचे हुआ तभी थीटा का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, इस केस में बीसी का लेंथ थोड़ा छोटा हुआ, हम चाह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 0 हो और थोड़ा छोटा करते हैं, एंगल तो और छोटा हो गया, थीटा का वैल्यू और कम हुआ,
और बीसी का लेंथ और कम हुआ। और चले नीचे करते हैं इसको, थीटा और छोटा होते चला जा रहा है, मतलब जीरो से करीब होते चला जा रहा है। अगर थीटा यहाँ पे सपोज कीजिए कि 60 था, 50 था डिग्री मान लीजिए, तो ये 40, 30, 20, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3, 2, 1, 0। हेलो, ये थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब एसी डाउन होते हुए ऐसे 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 और एबी को ओवरलैप कर ले, एसी क्या कर ले, एबी को ओवरलैप कर ले और सी नीचे आते आते कहां चला जाए, बी पर आ जाए। अभी यानी कि अगर थीटा थोड़ा सा कम हुआ, सपोज कीजिए थीटा अभी 50 डिग्री है, 40 डिग्री जब होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा फिगर फिर, तो सी जो है यहां पे आ जाएगा। देखिए अब डॉट से हम सी को यहां रिप्रेजेंट किए, अगर ये और नीचे आता है तो एंगल तो और छोटा हो गया थीटा, तब सी आपका यहां पे आ गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि काम यहां पे क्या हो रहा है कि एज थीटा टेंड्स टू जीरो, क्या पढ़े इसको हम, टेंड्स टू जीरो, थीटा की टेंडेंसी है यदि जीरो होने की, तो थीटा की टेंडेंसी जीरो हो रही, थीटा मतलब धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है यदि, उसी वक्त सी पॉइंट जो है, पॉइंट सी का टेंडेंसी है नीचे की ओर, मतलब सी यहां से यहां आ गया, यहां से यहां और यहां से बी पर। जैसे ही थीटा एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, पॉइंट सी ए सी जो नीचे आएगा और पॉइंट सी ओवरलैप करेगा पॉइंट बी से, तो एज थीटा टेंड्स टू जीरो पॉइंट सी टेंड्स टू बी, पॉइंट सी बी पे आएगा, सी बी टेंड्स टू जीरो और सी बी का जो लेंथ है घटते घटते कहां आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा और जो ए सी था वो धीरे धीरे ए बी पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ए सी टेंड्स टू ए बी। दो बार, तीन बार, चार बार, इतने दूर के वीडियो को घुमा कर देख लीजिए, ये जब बोर्ड पे जब लिखा मैंने उसके बाद से ये जो बताया गया, दो बार, तीन बार, चार बार, इतने दूर के वीडियो को घुमा कर देख लीजिए। फिर से एक बार, एज थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा की टेंडेंसी धीरे धीरे घट रही है, जीरो की तरफ हो रही है, एट द सेम टाइम सी की टेंडेंसी नीचे की ओर बी पे हो रहा है और सी बी का लेंथ जीरो की तरफ बढ़ रहा है, अभी लेंथ कुछ ना कुछ था, कुछ कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, जीरो हो गया और AC का जो लेंथ था वो धीरे धीरे यहाँ पे सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है और फिर वो AC जो है वो धीरे धीरे घटके AB पे आ जा रहा है, AC AB पे आ जा रहा है, AC का टेंडेंसी AB पे। घुमा कर देख लीजिए वीडियो को दोबारा और अब इसको आगे, अब इसको आप आगे देखा जाए, अब इजी है काम करना, अगर आप ये समझ गए अब काम आसान है, जीरो डिग्री का प्रत्येक वैल्यू को निकालना, तो निकाला जाए साइन जीरो डिग्री पे सारे तीन रेशियो को निकालना अब आसान काम है। साइन जीरो निकाल लेंगे, कॉस जीरो निकाल लेंगे और साइन जीरो कॉस जीरो निकाल लिया आप, तो टेन जीरो तो बस साइन जीरो बाई कॉस जीरो होता है बाबू, कॉस जीरो बस टेन का उल्टा कर दिया जाता है, सेक जीरो कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस सेक जीरो साइन का, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉस सेक ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है और ये एसी ब्रोकर होता है। साइन जीरो क्या होता है, साइन थीटा, यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री और थीटा ये था, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या है परपेंडिकुलर, बीसी, तो बीसी बाई हाइपोटेनस क्या, एसी, ठीक है। अब देखिए व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टी एन डी एस, टेंडेंसी से बना वर्ड टेंड्स, इफ एज थीटा टेंड्स टू जीरो जीरो देन CB या BC tends to zero, CB या BC एक ही है ना, CB या BC, तो CB tends to zero, CB tends to zero and AC tends to AB, zero by AB zero, आप जानते हैं zero किसी भी नंबर से zero को डिवाइड कीजिए वो क्या आ जाएगा, zero आ जाएगा, that means we have right now sine zero degree is equal to zero, आपने सीखा, cos zero degree, base by hypotenuse, B by H, theta ये है, base क्या, AB, AB, base AB and hypotenuse क्या, AC, okay, base by hypotenuse, base AB, where is AB, 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 this is AB, तो AB को AB लिखा आपने क्योंकि AC का tendency AB था, ठीक है, और AC का tendency AB हो जाएगा, मतलब जैसे ही थीटा की tendency 0 degree हो रही है, at the same time AB का tendency, sorry, at the same time AC का tendency
ए बी हो जाएगा, ए सी क्या बनेगा उसको अब ए बी, और जब ए बी को ए बी से भाग देंगे डिवाइड करेंगे सेम टू सेम को वन आ जाएगा, साइन जीरो कॉस जीरो आपने निकाल लिया, तो टेन जीरो कॉस जीरो सेम जीरो कॉस जीरो एकदम है क्या? नहीं ना, टेन जीरो क्या होगा बाबू, साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो जीरो बाई वन साइन जीरो बाई कॉस जीरो, जीरो बाई वन जीरो, कॉट जीरो इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन, दिस इज टेन जीरो डिग्री इज जीरो बाई वन, कॉट जीरो डिग्री वन बाई जीरो, अनडिफाइंड, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता है। अगर आपको इस ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है वन बाई जीरो कैसे अनडिफाइंड, आप चाहें तो नाइन्थ क्लास का रियल नंबर टॉपिक अपलोड हो चुका है, उसमें आप जाके आप समझ सकते हैं, वहाँ नियम लिखवाया गया है नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता है, एंड इफ वी डिवाइड दिस एक्चुअली दिस इज अनडिफाइंड नंबर, तो वन बाई जीरो अनडिफाइंड, सेफ जीरो सेफ कॉस जीरो वन था तो वन बाई वन है ये, उल्टा भी करेंगे तो वन बाई वन यानी कि वन ही रहेगा, कॉस एक जीरो साइन जीरो का उल्टा, साइन जीरो था जीरो, जीरो मतलब जीरो बाई वन, कॉस एक जीरो क्या हो जाएगा वन बाई जीरो, दैट इज अनडिफाइंड, नोट इट। तो अभी आप देख रहे हैं कि साइन में आप सबका निकाल चुके हैं, एक काम करते हैं बोर्ड तो यहाँ पे दिख ही रहा है तो लगे हाथ यहाँ पे हम लोग 90 का भी निकाल लेते हैं, साइन 90 डिग्री कॉस 90 और साइन 90 कॉस 90 निकल गया, तो टेन 90 कॉट 90 सेक 90 एंड कॉसेक 90 का तो कोई हेडर ही नहीं है, बस हेडर दो ही का है साइन 90 और कॉस 90 का, बाकी तो हम लोग साइन और कॉस सब निकाल ही लेते हैं, साइन 90 पता किया जाए 90, देखिए यहाँ पे साइन थीटा हुआ, ये 90 थीटा के प्लेस पे है, साइन थीटा होता क्या है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी है, हाइपोटेनस क्या है एसी है, बीसी बाई एसी, बट 90 कब, देखिए थीटा ये 90 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अगर ये थीटा 90 हो रहा है इसका मतलब मेरे को तो पहले ये मिटा के लिखना पड़ेगा 90 के लिए भी, कहाँ पे लिख दें इसको, 90 के लिए भी लिखना पड़ेगा, एक काम करते हैं चमिटा के नीचे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 के लिए भी, देखिए यहाँ पे एज थीटा टेंस टू जीरो डिग्री यहाँ पे था, अब यहाँ पर करते हैं एज थीटा टेंस टू 90 डिग्री, जैसे ही थीटा का टेंडेंसी अगर 90 डिग्री पे है, देखिए थीटा ये है, ये 90 मत समझ लीजिए, थीटा ये है, थीटा 90 कब होगा ध्यान से, अगर आप जीरो समझ गए जीरो डिग्री समझ गए तो 90 डिग्री भी आप समझ जाएंगे, देखिए थीटा 90 कब होगा, जब ये ऐसे हो रहा था तो थीटा जीरो हो रहा था, और 90 होने के लिए देखिए पहले क्या था कि थीटा को कम करना था, थीटा के वैल्यू को कम करना था ऐसे जा रहा था, अभी थीटा के वैल्यू को बढ़ाना है तो नो डाउट ये ऐसे जाना पड़ेगा, देखिए अभी अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ऐसे हो गया तो 60 डिग्री, ऐसे हो गया तो 70 डिग्री, ये देखिए एंगल बढ़ गया, ऐसे हुआ तो 80 डिग्री और ऐसे हुआ तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं, मतलब इस बार अगर थीटा की टेंडेंसी आपको 90 करवाना है, ये अभी थीटा मान लीजिए 50 डिग्री है 60 डिग्री है तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, ये बड़ा हो गया एंगल, बड़ा हो रहा है एंगल, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और 90 हो गया, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप थीटा की टेंडेंसी 90 की तरफ कर रहे हैं एज थीटा टेंस टू 90 डिग्री, तो जब ये यहां ऐसे आ गया तो ए घट के यहां पे आ जाएगा, ए डॉटेड लाइन से ए लिख दिए हैं, ए यहां पे आ जाएगा, और ऐसे करते हैं तो फिर ए यहां पे आ जाएगा, डबल वन दे रहा वैसे समझने के लिए, ठीक है लाइन ऐसे होता जा रहा है देखिए ऐसे, और ये फिर देखिए पहले थीटा था अब थीटा थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और धीरे धीरे थीटा जो है और बड़ा होता जा रहा है, फाइनली 90 पे ये ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ए का जो टेंडेंसी है वो कहां की हो जा रहा है बी पे, ए का जो टेंडेंसी है वो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ए का टेंडेंसी बी की तरफ, जो सी ए है वो ओवरलैप कर जाएगा सी बी से, सी ए ओवरलैप कर जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे सी ए ओवरलैप कर जाएगा सी बी से, ठीक है और ए बी जो है ए बी जैसे ये यहां बड़ा ए जैसे यहां पे आ गया अगर ए तो बी ए था अब छोटा हो गया यहां पे और छोटा हो गया और छोटा हो गया, और जैसे थीटा 90 हुआ बी ए जीरो हो गया, बी ए जीरो हो गया, जैसे ही ए बी पे ओवरलैप किया बी ए जीरो हो गया, बी ए मतलब ए बी, बी ए जीरो हो गया और सी ए की टेंडेंसी सी बी, कैमरा के पीछे से देख ले रहे हैं कि आपको सी ए टेंस टू सी बी दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सी ए टेंस टू सी बी,
फिर भी नीचे लिख दे रहे हैं या बड़ा कर दे रहे हैं, सी ए टेंस टू सी बी, बी ए टेंस टू जीरो है वो, सी ए टेंस टू सी बी, बी ए टेंस टू जीरो, ए टेंस टू बी और थीटा टेंस टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको सब दिख रहा है। अब देखिएगा हम लोग साइन 90 कॉस 90 सब निकाल लेंगे। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है, पी बाई एच, थीटा अगर ये है तो पी हो गया आपका सी बी, बी सी मतलब सी बी, और एच हो गया सी ए या ए सी। तो सी बी जान के लिखे हैं यहां पे, सी बी और सी ए टर्म्स का इस्तेमाल किए इसलिए, सी बी तो सी बी है देखिए, और सी ए भी क्या बन जाता है, एज थीटा टेंस टू 90 सी ए टेंस टू सी बी, और सी बी बाई सी बी 1 कॉस 90 डिग्री, b बाई एच, थीटा का 90 है तो बेस क्या है हमारा, ए बी बेस है ना, ए बी, और एच क्या है, ए सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए बी को बी ए लिख रहे हैं तो बी ए लिखिए समझने में सही रहेगा, और ए सी को सी ए लिख रहे हैं तो बी ए की टेंडेंसी क्या होगी बाबू, जीरो होगी ना। यहाँ पे देखिए आप, बी ए टेंस टू जीरो और सी ए टेंस टू सी बी, बट जीरो बाई सी बी, जीरो बाई एनीथिंग अदरवाइज जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं जीरो छोड़ के, रिजल्ट जीरो आता है, जीरो बाई सी बी जीरो। टेन 90 कॉट 90, इसका हेडर जी क्या है, टेन 90 साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 बाई कॉस, कॉस गंदा लिखते हैं हम, कॉस 90, 1/0 और 1/0 अनडिफाइंड, कॉट 90 10 का उल्टा, एक बार सीखना पड़ेगा आपको, इन्फिनिटी 1/∞ cot 91/∞, आपको याद रखना होगा कि 1 को किसी भी नंबर, सॉरी किसी भी नंबर को अनडिफाइंड अनफिनिटी से डिवाइड करेंगे जीरो आता है, याद रखिएगा भी, 11th में आप लोग सीखेंगे, कैलकुलस में सीखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी आप 11th में चैप्टर है कैलकुलस, आप वहां सीखेंगे, 11th और 12th में होता है वो, तो अभी आप बस याद रखेंगे, हर बात आपको एट ए टाइम यहां पे नहीं सिखाया जा सकता है अपने आगे क्लास में। जैसे कि आप बचपन से जानते थे, क्लास 10th के बच्चों से बात हो रही है ना, तो आप बचपन से जानते थे, आई मीन टू से दैट कि आप 7th स्टैंडर्ड से जानते थे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, जानते थे आप, आज भी आप जानते हैं। अभी आप 10th में एंटर ही किए हैं तो आज भी आप जानते तो हैं, बट वो कैसे होता है आपको नहीं पता, कैसे होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आपको अभी प्रूफिंग आपको नहीं मालूम, पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं प्रूफ किए हैं, क्योंकि पाइथागोरस को प्रूफ करने के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा ट्रायंगल का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो इस बार आपको 10th में पढ़ना है, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ही जो अंतिम एक्सरसाइज है उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। इवन कि आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से थेल्स थ्योरम जो कि सिमिलैरिटी में है और पाइथागोरस थ्योरम उसी चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये रिपीटिंग होता है, एक नया जनरली आता है एग्जाम में, प्रूफ दैट पाइथागोरस थ्योरम या प्रूफ दैट थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी आता है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आता है। तो मेरा कहने का भी तात्पर्य क्या है, कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा बहुत सा चीज है जो आप यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं आप फॉर्मूला का, थ्योरम का, बट आप जानते नहीं कि हाउ टू प्रूव इट। पाइथागोरस थ्योरम आप अभी भी जानते हैं, पहले से भी जान रहे थे 9th 8th 7th में, बट आप अभी तक नहीं जानते हैं कैसे प्रूफ किया जाए। आप 10th में अभी 2 महीना और आगे बढ़ेंगे, अगर सिमिलैरिटी चैप्टर शुरू होता है तो आप सीख जाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो वो एक टाइम होता है, तो इसको आपको याद रखना है, 1/∞ इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा, 2/∞ इक्वल टू 0 आपको याद रखना है, sec 90 sec cos का उल्टा है 0 है, 0 मतलब 0/1, तो इसका उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, cosec 90 sin का उल्टा, sin 90 है 1, तो 1/1 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आप फाइनली sin 0 डिग्री भी सीखे हैं, 90 भी सीखे हैं। ठीक है, तो आप सारा ये सब चीज सीख चुके हैं। अभी आप जो ऊपर बोर्ड पे हेडिंग लिखा हुआ है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और अभी आपने 30 60 पहले सीखा, फिर 45 डिग्री सीख लिया, और फाइनली 0 डिग्री और 90 डिग्री भी आपने सीख लिया। बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, आपको दिख रहा है, एक बार वो फिगर जो वहां पे देख रहे हैं, फिगर को फिर से ड्रॉ कर देते हैं, जो डायग्राम है उसको
एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, हालांकि वीडियो है तो बैक जाके भी देखा जा सकता है, ये पी, ये बी और ये एच यहाँ पे थीटा के लिए, और ये फिगर था, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक, और आप ये डेटा याद करेंगे। इसके लिए अभी हम इसका टेबल बना दे रहे हैं वीडियो पॉज करके, ओके। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक टेबल बना दिया गया है, और इस टेबल में सब छः जो टी रेशियोज है वो मेंशन है, और 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री जितना एंगल अभी आपको पढ़ाया गया वो सारा मेंशन है। तो अब आप इसको, इस टेबल को हम लोग फिल करेंगे। देखिए अभी जो टेबल हम फिल कर दे रहे हैं, आप इसका फिल होने के बाद, टेबल के फिल होने के बाद स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे इसी वे में कॉपी कर लीजिएगा। कुछ बुक्स मैंने देखा है उसमें इस एंगल्स को इस वे में और साइन कॉस को इस वे में लिखा गया है, इसी वे में आप लिख लीजिएगा, आपको सुविधा होगा याद करने में, ये मेरा सलाह है। और अब हम लोग इसको फिल करेंगे, फिल हो जाने पे हट जाएंगे बोर्ड पर से, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिल करते हैं, फिल आपको ये याद होना चाहिए, 0, 1, 0, 1, 0 अनडिफाइंड, cos 60 1/2, sin 30 1/2, और cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, 1/2 cos 60 और sin 1/2, ठीक है। ये हो गया 1/√2, यहाँ पे sin 45 cos 45 1/√2, ये होता है 1, tan 30 1/√3 और tan 60 √3, ये इतना तो आपको याद रखना मस्ट है, ये sin cos और tan के वैल्यू आपको याद रखना मस्ट है। इसके बाद cot sec और cos sec का वैल्यू नहीं भी याद रखें तो आप चला सकते हैं काम। जैसे कि कोई पूछता है मेरे से cot थीटा क्या होगा, cot 0 डिग्री क्या, चलिए यहाँ पे cot 45 क्या होगा, तो cot 45 देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से cot 45 क्या होगा, तो cot 45 मन में क्या चलेगा, tan 45 का जस्ट उल्टा, tan 45 1 होता है तो cot 45 1 होगा। कोई पूछता है मेरे से sec 60 डिग्री क्या होगा, sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, cos 60 मेरे को याद है 1/2, तो 2/1, ठीक है। कोई पूछता है sec 30 क्या होगा, sec इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, cos 30 √3/2, मेरे को याद है यहां पे लिखते हैं 2/√3, उल्टा लिख देते हैं, समझ गए, ठीक है। तो अब यही प्रोसेस में आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। cot 0 इसका उल्टा, 0/1 है तो 1/0 अनडिफाइंड, √1/√3 है तो √3, √3/1 है ये, हो जाएगा 1/√3, ∞/1 इसका उल्टा, 1/∞ आपको बताया गया याद रखिएगा 0, 0, sec is just inverse of cos, 1 का उल्टा 1, ये पहले भरा जा चुका है, ये फिल करेंगे, 1/√2 का उल्टा होगा √2, 1/2 का 2 और 0/1 का उल्टा 1/0, that is equal to undefined, ठीक है। cos is just reciprocal of sin, तो 0/1, तो 1/0 undefined, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, फिल करना आप देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कॉपी पे नोट कर लें और याद करेंगे। अभी एक तरीका और बता रहे हैं, अगर कभी एग्जाम में आप भूल गए तो इसे कैसे लिखा जाता है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, फिर से आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो भी अभी डेटा फिल था इस टेबल में वो इरेज कर दिया गया है, आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया था, आपको याद करना है। अब देखिए अगर कभी आप भूल गए या कभी कंफ्यूज हो गए कि अरे याद तो क्या था पर याद नहीं आ रहा ठीक से, तो उस केस में आपको क्या करना है ताकि आप बिल्कुल ही गलती ना करें, बहुत अच्छा ट्रिक है, ये ट्रिक बताए जा रहे हैं। देखिए एज ए टीचर तो काम हो गया कि आपको समझा दिया गया कि ये कैसे सारा 0, 30, 60, 45 और 90 आता है, और फिर वो टेबल में एक जगह उसको अरेंज करके लिख दिया गया आपको याद करने के लिए। अब इस चैप्टर से आप, इस एक्सरसाइज से आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बस इस वैल्यू को उठाना है, वह पुट करना है क्वेश्चन में और आंसर पाना है। इसके लिए अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन करके बता दिया जाएगा। फिलहाल
क्या है कि अभी आप जो देख रहे हैं, अगर आप कहीं किसी कंडीशन में भूल गए तो एक ट्रिक है इसके लिए, ताकि आप कभी नहीं भूल सकते या कभी नहीं कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका जो डेटा है आपके मेमोरी से, अगर आपको लग रहा है कि कहीं सही है या गलती है तो आप कंफर्म हो जाएंगे इस ट्रिक से। करना क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक जीरो लिखा गया, 1 2 3 4 सबको याद रहेगा, 0 1 2 3 4 लिखना। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, सबको 4 से, बाय 4 सब में किया गया बाय 4। ऊपर ज्यादा लिखेंगे तो आपको वीडियो पे नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड जो है 3/4 ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे रहे हैं, मीनिंग तो सेम ही है ना, 4/4। पहले क्या लिखा गया 0 1 2 3 4 और फिर सबको डिवाइड किया गया 4 से। ये ट्रिक है याद करने का, और सब पे आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, लगा दिया गया। कैमरा के पीछे से देख ले रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आप बताइए 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा ना, 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। और इस पे रूट लगा हुआ, मतलब यहां लगा हुआ रूट, तो रूट 0 क्या होता है? 0। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका? 0। रूट जो लगा हुआ है 1/4 पे, तो 1/4 पे जो रूट लगा है, रूट कहां पे? 1 पे भी है और 4 पे भी है। तो रूट 1 का वैल्यू होता है 1 और रूट 4 का वैल्यू होता है 2। तो ये वैल्यू यहां पे क्या हो गया? 1/2। रूट 2/4, रूट 2/4 जो है वो डिवाइड कीजिएगा अंदर में तो क्या बन जाएगा? 1/2। ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो 1/2 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और रूट 2 तो आप रूट 2 ही लिखेंगे, तो 1/√2 हो गया ये। √3/4 यह √3 पे भी है और 4 पे भी है, √3 तो √3 रहेगा और √4 जो है वो 2 बन जाता है। √4/4, 4 अंदर में 4/4 जो डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा, 4/4 से कट जाएगा 1 टाइम में, और 1 का रूट 1 होता है 1। समझिए आप, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय सब में 4 कर दिया जाएगा, फिर रूट लगा दिया जाएगा, जो वैल्यू उसका आएगा वो साइन थीटा में ऑर्डर में 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 और फिर 90। आप इसके पहले का जब चेक करेंगे टेबल, साइन में आपका वैल्यू यही मिलेगा। साइन लिखा गया, कॉस लिखना है। कॉस के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे गया थे ना, उल्टे क्रम में लिखते हैं, जस्ट उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं। 1 देखिएगा, 1 के बाद यहाँ क्या है? √3/2। यहाँ √3/2, 1 लिखा गया, ये लिखा गया, फिर क्या यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2 ऐसे, फिर इसमें 1/2 तो यहाँ 1/2, फिर 0 तो यहाँ 0। जस्ट इसका उल्टा वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, काम हो गया। tan sin थीटा बाई cos थीटा, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा। देखिए यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√3, 1/√2 होल डिवाइड बाई 1/√2, कट के 1 आ जाएगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कैंसिल, √3/1, √3, 1/0 अनडिफाइंड। cot जस्ट tan का उल्टा, cot जस्ट tan का उल्टा, 0/1 तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 1/√3, ∞/1 1/∞0, बता दिया गया है वरना भी आपको sec cos का उल्टा 1 है, 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा उल्टा, 0/1 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड, cosec sin का उल्टा, 0/1 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा क्या करेंगे आप? 2, 1/√2 का जो इनवर्स होगा वो √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/1 का इनवर्स 1। अब भी फिर से आप देखें टेबल को, और इसके पहले का टेबल से आप मैच करके देख रहे हैं, आप पाएंगे कि दोनों ही टेबल सेम है, और आपने देख लिया कि ये बिल्कुल ही सेम है। और आप वीडियो को पॉज करके आप दोनों ही टेबल को देख लें, आप पाएंगे बिल्कुल सेम है। और अब आप सीख चुके हैं, पहली बात तो ये है कि आपको आज की क्लास में 0 डिग्री 45
जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सिखा दिया गया, साथ में फिर टेबल पर अरेंज करके लिखा गया ताकि आप उसको याद कर लें। और अब अगर आप कभी मेमोरी में भूल जाते हैं, कहीं एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भूल जाते हैं, उसके लिए ऊपर में ये ट्रिक बता दिया गया फिल करने का। साइन कॉस दो ही भरना होता है, साइन तो सेम टू सेम उतर जाता है, कॉस में इसका उल्टा चलता है, इसका जस्ट उल्टा चलता है कॉस में, और टैन जो है वो जी साइन बाई कॉस होता है, कॉट सेक और कॉस एक टैन कॉस और साइन के जस्ट उलट के लिख देते हैं, ये हो गया था हमारे आपका ये। तो अब ये टेबल जो है आपको याद रखना है, आपको एटलीस्ट साइन कॉस और टैन याद रखना चाहिए। हम टेबल में एक बार लगाए थे ठीक कहाँ से कहाँ, आपको ये जो डेटा है, ये डेटा इवन यहाँ तक कहिए ऐसे, ये डेटा जो है आपको, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, साइन कॉस और टैन का 0 से लेकर 90 तक का आपका रटा हुआ होना चाहिए, बाकी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये तीन आपका रटा हुआ होना चाहिए, आपके मेमोरी होना चाहिए जब आप सवाल बना रहे हो। तो बच्चों अभी आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, अगले क्लास में इस जो भी सिखाया गया है जो लेसन आज का, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखा दिया जाएगा, तो आप उससे भी संबंधित सारा क्वेश्चन बना लेंगे जिस भी बुक से आप बना रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।